कूफे में है से बहुत बड़ी मस्जिद भाई। अब तक का तो खाली मई यूट्यूब में इसमें उसमें देख को हूँ सो बहुत 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 बड़ी मस्जिद होती है। तो देखेंगे जैसा सुनी वैसा है क्या, बाहर से देख को तो दिख रहा है कि बहुत बड़ी है अगर वो मस्जिद है। देखेंगे अंदर जा को चलो निकलेंगे। आगे अब हल्लू 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 पूरे आले को ही देखेंगे। यूट्यूब में तो सुन को हूँ बहुत बड़ी मस्जिद, दुनिया में बड़े मस्जिद में एक मस्जिद इन्हें भी शामिल होती है। तो देखेंगे दुनिया में पूरे पूरे बड़े मस्जिद में ये एक मस्जिद शामिल होती है। देखेंगे जैसा सुनी वैसी है कि नहीं, क्या बोलते तुम लाओ हो क्या भाई मैटा नरम हिंसो हाँ देखो बद में वो भी बोलो ये भी बोलो बिस्मिल्लाह माशाल्लाह 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 क्या खूबसूरत है अभी मस्जिद। तो सेम रोज़ा मुबारक हज़रत अली का जैसा है वैसा सेम रोज़ा मुबारक माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत है दो भाई दो सारे तरफ इतना बड़ा बेरा आराम से एक 1.5-2 लाख आदमी नमाज अलीशान क्या बोलते कहते कहते हैं नमाज पढ़े यहाँ 1 लाख आदमी पढ़े वत्ता अच्छे अब भी ज़्यादा पढ़े जाकर मैं बोल रहा हूँ तो मैं 1 लाख लाख आदमी का मुँह छोटा नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। देखेंगे अंदर जा मौलाए कायनात मौलाए कायनात को जो शहीद करे थे छपा को आगो शहर हाँ छपा को आगो जो तलवार लगाए थे वो जाको वो जगह है हाँ वो देखेंगे इंशाल्लाह वो भी दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो चलो तो ये छुपा मौला अली दिन फजर की नमाज पढ़ाने आते थे मुसल्ला वो ये करते थे फजर की नमाज में नमाज पढ़ाए तो इब्ने मुज्जिम का नाम उसका जो ये मारिया उनका मारिया उसका नाम तलवार से वो भी जख्मी ये कर ले तलवार में ये जहर डुबाने ले लगा तो डुबा को सिर पर मारा था सो 3 दिन वो ये लगो 3 दिन के बाद उन्होंने शहीद होते सर ये होते ये जगह पर उस मारे सो लेको मौला कहना तो पानी भी पिलाते उनको ये था मुझे ये होती गलो ये वो जगह फजर के वक्त में नमाज पढ़ते थे हर फजर की नमाज यहाँ पढ़ने आते थे कहते वत्ता उन्हें मार को भी इन्हों आ को हजरत अली जा को पानी पिलाई कहते कितने रहम की है भी हमारी इस्लाम में कितनी रहम है वत्ता जख्म देखो भी हम ना वत्ता जख्म पहुँचा को भी हम ना फिर भी वो उत्ता रहम कैसा आ जाता है। अल्लाह हमारे अंदर भी वो रहम डालना हमारे अंदर भी वो सब्र डालना। आज जो ना सब्र नहीं रहता था उनके अंदर हमें भी वैसे बेसब्र आदमियाँ हो जाते बेरहम आदमियाँ हो जाते या अल्लाह दो हमें इतने नसीब वाले कि हज़रत अली जहाँ नमाज़ पढ़ते थे वहाँ खड़ी का तो बहुत बहुत बड़ी नसीब हमारी। बेशक तुम्हें ये ट्रिप हो इतनी खूबसूरत ट्रिप इतनी खूबसूरत ट्रिप इतने साहबियाँ इतने औलिया करामा मिलती हैं तुम ना कि तुम्हें तुम्हारे सपने में भी सोचे नहीं रहते इतने इतने बड़े औलिया करामा हम ना बुला घूमेंगे। तो नियत करो तुम्हें भी इंशाल्लाह तुम्हें भी कितने भी जने मेरे वीडियोस देख रही हर जने को ये का इसमें बस्ती में रहने आने की तौफीक अता फरमा। तो चलो देखेंगे और सामने एक मस्जिद का डोर है वहाँ भी जाले गए हूँ। तो चलो हाँ एक मस्जिद है वो भी दिखाता हूँ बैठ कर दुआ करो सब दो ये एक साइड मस्जिद ये इनका नाम है हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला ने इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला ने के भाई ना हज़रत मौला एक आईन है मौला हुसैन के चचा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बना दिए से बना दिया सर ऐसा से इनको शहीद करो नाम हज़रत हानी बिन उरवात हानी बिन उरवात ये बाहर से दिखा था ना वो अंदर से कह दो यहाँ से दिख रहा था गुम्बद इतनी बड़ी ऐसे कूफा की मस्जिद माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे नामा प्लीज़ याद नहीं क्या भी समझ लियो ना उनको नियत
पाक राय है हमारी, उनके ऊपर आजिम बनेंगे। तो दरवाज़ा ये वो एक बेड़ा है और ये एक बेड़ा वहाँ से गुंबज क्या खूबसूरत दिख रहा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी छतरियाँ हैं, ओपन होती रहता है तो खूबसूरत है। तो अभी इतने कम का तो भरी भी हालत का, तो भी जैसे सलाम अंकल बोले थे लाख कर रहा, लाख से ज़्यादा पड़ रही है अदमियाँ चदमियाँ गुंबज को दिख रहा। अभी आउट भी होता हो अभी यहाँ का ये मस्जिद का आउट भी होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत है, तो माशाल्लाह क्या खूबसूरत है मस्जिद, बहुत बहुत बढ़िया। अभी सोच भी नहीं सकते कि बेंगलोर के जहाँ अब तो ना एग्जांपल देना था बिलाल मस्जिद, बेंगलोर की बिलाल मस्जिद के 40-50 होते दल्ला, उतनी बड़ी है उतनी बड़ी है उतनी आलीशान है मस्जिद माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन इराक का ट्रिप बेस्ट ट्रिप, इराक का ट्रिप मेरे हिसाब से देखने गए तो अगर 100 में से कितने पॉइंट्स देतेंगे तो 200 दिया दूंगा। इतना खूबसूरत ट्रिप, इतना खूबसूरत ट्रिप, जैसा मेरे भी तुम्हें जोड़ मेरे जोड़ भी जमे रहे थे। अब भी मौलाए कायनात का दरबार नहीं दिखाया तुम ना, देख रही हैं ये ड्रेस उसका वीडियो ऑलरेडी मैं पकड़ गया हूँ, तो स्टे ट्यून रहो देखेंगे सब कुछ तुम ना दिखा दो। मेरे जोड़ तुम्हें भी 10 दिन जुड़े रहे थे, हाँ ऐसा ट्रिप में जाते रहेंगे, हर चीज़ खाली दरहाएँ अगर कुछ नहीं, मेरा हल ऑल इन वन ब्लॉक्स में रहे तो देखेंगे। आज जा यहाँ गई समा दुबई भी जा सकती हैं, कहाँ भी जा सकती हैं, तो स्टे ट्यून रहो, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो पूरे को शेयर करते रहो, तो देखेंगे। चलो अब भी कहाँ कहाँ था, देखो अभी ख़त्म भी नहीं हो, इतनी दूर बात कर ले कॉल में अभी तक ख़त्म भी हुई है मस्जिद, ये पूरी मस्जिद ही दो, ये पूरा खाली ईदगाह इतना बड़ा है। इन्हों हमारे बहुत ख़ास मौली साहब इन्हों हम ना मुझे इनके ऊपर बहुत चाहत है माशाल्लाह, और इनके जबान में इतनी तासीर है, इतनी तासीर इनको भूल गया और इनके जबान में माशाल्लाह इतनी तासीर है। अब दुआ करे तो आधे घंटे में दुआ खत्म हो जाए। शेख हम ब्लॉगरों को गिफ्ट है $100 $100 रात मालो माल हो गया, सुबह ही उठते ही उन्होंने करोड़पति बनी, लखोपति बनी, लखोपति माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इनको ऐसा नवाजते रहे और इनो आई अब इनके पूरे बच्चा को आने की तोफीक। 1 लाख रुपया का डॉलर ले लेको इनो कहते दी 50 रुपये इन्हों क्या की समझ को, उन्हें मुझे एक कलर का नोट दिया ना, मैं भी सेम कलर का नोट देता हूँ, 50 रुपये की नोट टाक दी। काम ही नहीं होता रहता, कुछ ऊपर नीचे होते रहती है बात है। तो कैसा दिखा तुमने सफर, बहुत अच्छा। तो जो जने वीडियोस देख रही और जने को पहुंचाना तो ऐसा। तो चलो खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। मौला ये कायनात का घर है, हजरत मौला ये कायनात का घर, मौला अली का घर है, छोटे थे ना जब बच्चे जब यहाँ खेली कुछ दिन काम चल रहा था, हजरत मौला ये कायनात जो तुम्हें ये नाद भी सुने रहती ए हसनैन के नाना घर को, जब हसनैन रजी अल्लाह तआला अन्हु छोटे थे तब ये घर में आकर ना ठहरे थे इसके उनका तो उनकी ज़िंदगी ये घर में बीती थी इसके माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अंदर जाना छोड़ देते थे, अब क्या कि अंडर कंस्ट्रक्शन आ गया था उसके वजह से नहीं छोड़ रहे, तो ये चीज़ भी तुम्हें बाहर से ज़ियारत कर सकते। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो भी कोने से दो वो कोने से लेको फिर ये कोने तक भी इतनी बड़ी मस्जिद माशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन।
पूरे जने आपको सेलिब्रिटी जो अब ब्लॉगर्स बड़े बड़े सेलिब्रिटी आगे तो कई सब फोटोज लेती है वही सब बुला बुला फोटोज ले रही भाई माशाल्लाह माशाल्लाह हमना इज्जत तुम्हें सच तब मानो झूठ तब मानो हमना जलन हो रही है सब इनको दाढ़ी है उसके ऊपर लाल माशाल्लाह दादो दादा साहब सलाम अलैकुम खैर है दादो क्या दादो फुल पसीने में आ गई तुम्हें डेढ़ किलोमीटर है ओ माशाल्लाह कैसी है मस्जिद अच्छी ऐसा ऐसा वाली करे तुम्हें भाई बनाने वाले के ऊपर नहीं नहीं बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है बनाने वाला कौन पैदा होता है ऐसा नहीं नहीं पीड़ा पीड़ा चले गए तुम नहीं आता अब बहुत खुशी में पप्पन की बस मार रही है खा लेंगे पप्पन जाको क्या भी लेने को वहाँ जा वैसा वंदे चलो खुदा हाफिज़ कर डालो वंदे वंदे खुदा खुदा हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम उनको सलाम कर उनको करी ना वहाँ से ओ वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जैसा जन्नत मदीने में जन्नतुल बकिया है वैसा यहाँ इसमें नजफ शरीफ में यहाँ एक जन्नत जन्नत की एक कब्रस्तान करो फरमाते हैं कि हम भी बहुत बड़े बड़े औलिया ही कर रही मंगत है 40 किलोमीटर का कब्रस्तान है इसको तो भी तो बाद सलाम कर को ये इसे कब्रस्तान को बोलते इसको तो चलो देखते जाएंगे इनो भी बहुत बड़े बड़े साहब हैं हमारे पकाती इनो पाकिस्तान वाले इनो भी हमने बहुत बड़े बड़े हस्तियों से मिलाती हैं बोल रहे हैं तो चलो देखेंगे इनकी हिस्ट्री क्या है इमाम है नबी है 1,24,000 अंबिया इकराम से इनो एक माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्रिया पहले अथे सो इनो माशाल्लाह माशाल्लाह दो एक हिस्से भी मालूम नहीं खाली मेन में नदमे चुन को रखे इनो भी बहुत बड़े नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इनो आए अरे शाबाश शाफा पे रे शाबाश इनो भी एक तबे तबाइन में मिलते हैं इसको तो ये मन बजा साल दिए यार की चांद लग गया मेरा इमाम जाफर जो सुन को थे ना तुम्हें इमाम जाफर का आस्थान मुबारक यहाँ चिन्ह को आराम कर देते सुन के मुरीदा को पूरे गुल्ले को इमाम जाफर सादिक का सुन को रहे लामा उनका आराम करने का जगह था तुम्हें सुने थे ख़यामत के नज़दीक जब इमाम मेहदी आ जाती ख़यामत आएगी घर को इमाम मेहदी जब थे तब आपको यहाँ से आराम फरमाते थे उनका नमाज़ पढ़ना उन्हें आराम फरमाना पूरा है करते थे माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान वाले भाई हमारे मिलकर बहुत से अच्छे चीज़ें दिखा मकान ये क्या की बोड़ी है अपने हाथों से इस कुएं को तामीर किया ताकि जो अंबिया और सालीन जो यहाँ से जिनका गुजर था उनको पानी मुयसर हो सके माशाल्लाह तो ये मंसूबे वक्त के इमाम से और इसके बारे में ये दावा किया ये कुएं में पानी फुल होना इमाम मेहदी बोल बोल के फिर आता अगर ये बोड़ी में पानी जब इसमें पानी शुरू हो जाएगा नजर आना तो समझिए कि वक्त ज़हूर जो है वो करीब है ख़यामत नज़दीक है नहीं क़यामत को बहुत दूर है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के जब ज़हूर आएगा उसमें फिर जंगी होगी क़यामत बहुत दूर है हाँ 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 इमाम के ज़हूर के बाद बहुत अरसे तक दुनिया रहेगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले वो नबी होंगे जो इमाम के सब में पहली जमात में नमाज पढ़ेंगे यानी क़यादत मौला के बाद जो है वो हज़रत ईसा के पास होगी आज हम बिस्मिल्लाह तो ये पानी में यह बोड़ी में पानी आ गया तो इमाम मेहदी आने वाले हिंगर को समझ लेना
बॉडी भर गई तो पैदा होगी घर को आगे होना दुनिया में आगे घर को तो भी ये बहुत बड़ी चीज़ दिखाई है उसमें तुमने खयामत का भी है वो छा जब खयामत का बार ये सोता इमाम मेहदी पैदा हो जाएगा 80 साल तक उनकी मुसलमान की हुकूमत चलती है हर है अभी नोबल है इसका वो बॉडी फुल होगी तो इमाम मेहदी पैदा होगी घर का तो माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ ये इतनी मुकद्दस जगह है बहुना बुलाई अभी ये सवारी की गाड़ी हर आदमी को कौन भी होना तो ये धूप के वास्ते ही ना को ये सवारी की गाड़ियाँ रखी हमें ये कोने से वो कोने देखो कहाँ हो वहाँ आए जा कहाँ हो ना वहाँ ले जा क्या भी रोक टोक नहीं दो सामने मौला है कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुंबद हजरत दिख रहा था माशाल्लाह 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 यहाँ से तो गुंबद अब फिर हमें खाली जब बेड़ा चलने का रहता फिर बेड़ा चल कर वो गली में चले गए तो फिर वहाँ से गली से ये रहती है बुला ले जाने बुला ले जाने आसान ये एक गाड़ी था वो वहाँ से आए वहाँ से आए थे फिर ये एक गाड़ी अब सामने आके गए तो वहाँ से आगे जाकर लेफ्ट वो झंडा दिखाओ ना उससे आगे समझ होता अरे दुकाना में आए तो खाली ठाको खाओगे तो फुल मस्त लिपते रहना जो भाई मालूम ना मैटर ऐसे दुकाना में आए तो मस्त चॉकलेट रहा मैटर मर लाइक पूछ को खाना भी पूछ को खाए तो हलाल नहीं तो हराम दो ऐसा दो भैया पैसा की इज्जत ही नहीं दो 10,000 अब ऐसा क्या करना है तो ऐसा ठाना ऐसा ना इन बार्गिंग करा था कहा मैं मैटर मर खाते रहना अभी कौन सा अच्छा दिख रहा है पदम खाते आलमंड बदम खाओ खाओ ऐसा एंजॉय करना अभी लाइफ फिरना है तो पैसे का सोचना नहीं खाओ पियो ऐश करो मित्रों पैसा रहना आराम दे मस्त तो दुकान घर जाए चॉकलेट आंदे भर को हाँ जो भाई इराक में सुनने की चांदी की वैल्यू नहीं है अभी याद हो यार रोड पर गल्ले गल्ले बैठी अभी ये पूरा इराक का मार्केट है हमें जो गली है वो एक मार्केट है ऐसा चार गेट आई सर चार गेट आगे चार गलियाँ हैं सर ये आदमी तो शादी कर लेती है छोटा हाल फोटो पकड़ पकड़ कर संग बेचते रहना उन्हें ये पसंद आ गया जी का तो ले लेगा हाँ तो मैं बुला ले कहता हूँ तुम्हें मेरी बात सुनते ही नहीं ये बैग में रख लियो ये मैं ब्लॉग तभी बनाता हूँ तो भी इतने चीप क्वालिटी ये क्वालिटी इतना जबरदस्त है प्राइस इतना चीप है तो ये बैग हमें भी दिया है खाली ये आपको 300 rupees है बैग तो ये बैग दे रहे हैं मतलब खाली 300 rupees बैग माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जबरदस्त है बहुत रिच नहीं है कंट्री बहुत चीप कंट्री हमारे 1000 दिए तो इन 15,000 rupees देते हैं सर तो ऐसे उसी में मर ले गए जा इंडिया इंडिया अस्सलाम वालेकुम इंडिया पप्पू का सलाम पप्पू का सलाम क्या बोले पप्पू पप्पू क्या बोले पप्पू क्या बोले पप्पू का तो पप्पू शिवाजी नगर में 100 rupees करो पैंट हम बेचे तो यहाँ 4,000-5,000 लाखों के पैसे भाई लाखों के 10,000 rupees को 1,15,000 1,15,000 rupees देते तो देखो अभी इराक की गलियां में ऐसा फिर ले कोई हमें लाखों के रुपए जेब में थे लाखों के पैसे रुपए 1 rupees भी इंडिया में काम नहीं आता घर का पूरा उड़ा ले क्या बोलते हैं जनेद भाई ओ बहुत बेशक पूरा चिल्लर हो गया खाली हो गया गरीब हो गई हमें गरीबों को 1,000-1,000 rupees ठग दिया ले हमें सर्री नहीं करो पैसे पैसे खाली हो रहे नहीं कर को आप देखोगे हमारी हालत ऐसी भी हम ना गरीब उल्टा देना पैसे कौन तो 250 rupees दिए तो क्या इंजन लगा ले वही सर क्या हमें फर्स्ट दिन आइस टेम बोलियो सुबह ही एक दो दो जूसा शाम को दो दो जूसा पेप्सिया माउंटेन ड्यू क्या रे पियो सस्ता सस्ता यहाँ हमारे की लाइफ चल ऐसी है कर को लाख कोंगे भाई 1 rupees दिया तो 15 rupees
हाँ जी ना, याद हो हमारे पब्लिक।